स्टूडेंट्स, आज हम हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा लिखी मातृभूमि का मान एकांकी के वर्कबुक के प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। तो आज हम भाग एक से लेकर भाग सात तक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग एक, महाराव, आज राजपूतों को एक सूत्र में गुंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है और जो व्यक्ति ये माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। तो का प्रश्न, वक्ता और श्रोता कौन है? वाक्य का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वक्ता अभय सिंह और श्रोता राव हेमू है। वाक्य का संदर्भ है कि मेवाड़ नरेश महाराणा लाखा ने सेनापति अभय सिंह से बूंदी के राव हेमू के पास ये संदेश भिजवाया कि बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करे ताकि राजपूतों की असंगठित शक्ति को संगठित करके एक सूत्र में बांधा जा सके। प्रश्न खा, राणा बूंदी को मेवाड़ के अधीन क्यों करना चाहते थे? तो उत्तर, राणा लाखा बूंदी को मेवाड़ के अधीन इसलिए करना चाहते थे क्योंकि राजपूतों की बिखरी हुई असंगठित शक्ति विदेशियों के आक्रमण का सामना नहीं कर सकती, इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी शक्ति को केंद्र के अधीन रखें। प्रश्न ग, वक्ता ने महाराणा लाखा के संबंध में क्या कहा? उत्तर, वक्ता अभय सिंह ने महाराणा लाखा के संबंध में ये कहा कि राजपूतों को एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता है और यह माला तैयार करने की शक्ति केवल महाराणा लाखा को प्राप्त है, अर्थात तो वह कहते हैं कि केवल महाराणा ही राजपूतों को एक माला में गूंथने का सामर्थ्य रखते हैं। राव, प्रश्न ग, राव हेमू के अनुसार हाड़ा वंश किस प्रकार का अनुशासन मान सकते हैं? तो उत्तर, राव हेमू के अनुसार हाड़ा वंश प्रेम का अनुशासन मान सकते हैं किंतु बल प्रयोग का नहीं। इससे राव हेमू के हृदय की महानता का परिचय मिलता है। उनके अनुसार बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर ही वह महाराणा का आदर कर सकता है, गुलामी से नहीं। भाग दो, ताकत की बात छोड़ो। अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। इतने बड़े दंभ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय न दे, इसी में उसका कल्याण है। रह गई बात एक माला में गूंथने की, सो वह माला तो बनी है। हाँ, उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। तो प्रश्न क, उपयुक्त कथन किसने तथा किस संदर्भ में कहा है? तो उत्तर, जब अभय सिंह महाराणा लाखा के बारे में कहते हैं कि केवल वही राजपूतों को एक सूत्र में गूंथने की क्षमता रखते हैं, तब इस बात से क्रोधित होकर बूंदी के राव हेमू ने उसी संदर्भ में उपयुक्त कथन अभय सिंह से कहा है। प्रश्न ख, अभय सिंह का परिचय दीजिए, क्या वह क्या संदेश लेकर आए हैं? अभय सिंह मेवाड़ के सेनापति हैं। वह महाराणा लाखा के अत्यंत विश्वास पात्र हैं तथा वे बूंदी के शासक राम हेमू के पास ये संदेश लेकर आए हैं कि अब बूंदी राज्य को मेवाड़ की गुलामी स्वीकार कर लेनी चाहिए। वक्ता ने अभय सिंह से किस प्रकार के अनुशासन को मानने की बात कही है? उत्तर, वक्ता राव हेमू ने अभय सिंह से प्रेम के अनुशासन को मानने की बात कही है कि बूंदी एक स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर ही महाराणाओं का सम्मान कर सकता है, किंतु अधीन रहकर वह किसी राज्य की सेवा करना पसंद नहीं करेगा। प्रेम से जो चाहो वह हो सकता है। प्रश्न ग, वह माला तो बनी हुई है। हाँ, उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। आशय स्पष्ट कीजिए। उपरोक्त पंक्ति का आशय ये है कि महाराणा लाखा ने बूंदी पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन करने का निश्चय कर लिया था क्योंकि राव हेमू ने उनकी अधीनता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। युद्ध के उपरांत राजपूतों की एकता की माला टूटने ही वाली थी। वह बूंदी को मेवाड़ के अधीन करने तथा युद्ध के शंखनाद के साथ उस माला को तोड़ने का श्री गणेश कर चुके हैं। श्री गणेश का अर्थ है आरंभ कर चुके हैं। भाग तीन, प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार अजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। प्रश्न का, उपयुक्त कथन किसने किससे कब और क्यों कहा है? उत्तर, उपयुक्त कथन बूंदी के शासक राव हेमू मेवाड़ के महाराणा लाखा के सेनापति अभय सिंह से कह रहा है क्योंकि वह बलपूर्वक किसी
बलपूर्वक किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते, वह कुछ कर सकते हैं तो ये है कि वह केवल प्रेम का प्रेम वह केवल प्रेम का अनुशासन मानने के लिए सदैव तत्पर होंगे। प्रेम के अनुशासन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। प्रेम के अनुशासन का संदर्भ है कि हाड़ा वंश किसी की भी बात प्रेम से ही मानेगा। हाड़ा वंश किसी की भी गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो। प्रश्न ग, मेवाड़ के महाराणा ने क्या प्रतिज्ञा की थी और क्यों? मेवाड़ के महाराणा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक बूंदी के दुर्ग को जीत नहीं लेंगे तब तक अंजल ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि बूंदी ने मेवाड़ को पराजित कर दिया था। प्रश्न ग, महाराणा लाखा के अनुसार उन्होंने मेवाड़ के गोरनपुर इतिहास में कलंक का टीका किस प्रकार लगाया है? उत्तर, मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा को नीमरा के युद्ध के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा था। जब मुट्ठी भर हाड़ाओं ने उन लोगों को पराजित कर दिया, उन्होंने मेवाड़ के आत्मगौरव को ठेस पहुंचाई है। आगे भाग चार, जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई अपयश कलंक या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे, ये कैसी उपहासजनक बात है? क, प्रश्न वक्ता कौन है उसका परिचय दीजिए। उत्तर, वक्ता महाराणा लाखा है। महाराणा लाखा वीर देशभक्त तथा दृढ़ चरित्र के व्यक्ति है। महाराणा मेवाड़ के शासक हैं तथा वह मेवाड़ को सबसे बड़े राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। प्रश्न ख, खाल मोटी होना का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है और क्यों? उत्तर, खाल मोटी होना का प्रयोग इस संदर्भ में किया गया है कि जिनका दिमाग मोटा होता है उनमें अपयश कलंक तथा अपमान की बात नहीं होती, अर्थात जिसका स्वाभिमान मर जाता है उसे इन बातों का आभास नहीं होता है। प्रश्न ग, उपहासजनक बात का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उपहासजनक बात का आशय है कि पराजित लोगों के लिए हार का मुख देखकर भी जीवित रहना यह उपहासजनक है। जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं, जो पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे, इस बात को महाराणा लाखा ने उपहासजनक बताया है। प्रश्न ग, वक्ता अपने मस्तक से कलंक के किस टीके को किस प्रकार धो ढालना चाहता है? वक्ता अपने मस्तक से कलंक के टीके को अपनी पराजय और अपमान का बदला बूंदी के राजपूतों को हराकर बूंदी के किले पर अपना झंडा फहराकर धो डालना चाहता है। भाग पांच, इसमें संदेह नहीं है कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु ये निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। प्रश्न क, वक्ता और श्रोता कौन है, उसने बूंदी की किस दृष्टता की ओर संकेत किया है? उत्तर, वक्ता सेनापति अभय सिंह और श्रोता महाराणा लाखा है। उसने बूंदी के द्वारा मेवाड़ को पराजित करने की दृष्टता की ओर संकेत किया है और मेवाड़ की अधीनता ना स्वीकार करने की ओर संकेत किया है। प्रश्न का, वक्ता ने हाड़ा वीरों के संबंध में क्या कहा और क्यों? उत्तर, वक्ता अभय सिंह ने हाड़ा के वीरों के संबंध में कहा है कि वे वीर हैं, युद्ध करने में वे मौत से भी नहीं डरते। हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करते, वह युद्ध में यम से भी नहीं डरते। प्रश्न ग, महाराणा लाखा अपने मस्तक से किस कलंक को धोना चाहते थे? उत्तर, महाराणा लाखा का नीमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होना तथा रणभूमि छोड़कर भाग जाने के कारण उन पर लगे हुए कलंक के टीके को अपने मस्तक से धोना चाहते हैं। प्रश्न घा, महाराणा लाखा ने क्या प्रतिज्ञा की, उसे पूरी करने के लिए क्या योजना बनाएगी और क्यों? उत्तर, महाराणा लाखा ने बूंदी को युद्ध में हराने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने उसे पूरा करने के लिए बूंदी का एक नकली दुर्ग का अर्थ किला बनवाया और उसको ध्वंस नष्ट करके उनकी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो सके और उसको ध्वंस नष्ट करके उनकी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो सके। भाग शे, क्या कभी आपने सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो? प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जो तीर तरकस से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता।
प्रश्न क, वक्ता का परिचय दीजिए उस और उसके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर, वक्ता महाराणा लाखा है, वे मेवाड़ के शासक हैं। महाराणा वीर देशभक्त तथा दृढ़ चरित्र के व्यक्ति हैं। उपरोक्त पंक्ति में वह कहते हैं कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा कभी वापिस नहीं लेते और अपनी प्रतिज्ञा को किसी भी तरह पूरा करते हैं। वक्ता ने सूर्यवंश के संबंध में क्या कहा? वक्ता ने सूर्यवंश के संबंध में कहा कि अगर कोई सूर्यवंशी एक बार कोई वचन ले ले तो उसे किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जा सकता। उसे प्रतिज्ञा या वचन की पूर्ति करनी ही होती है। प्रश्न का, वक्ता ने उपयुक्त कथन श्रोता के किस कथन के उत्तर में कहे? उत्तर, जब अभय सिंह महाराणा लाखा को कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ना ले जिसे पूरा करने में कई दिन लग जाएंगे, तो इसी कथन को सुनकर वक्ता महाराणा लाखा ने उपरोक्त कथन श्रोता अभय सिंह से कहा। प्रश्न का, मातृभूमि का मान एकांकिका संदेश स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर, एकांकिकार प्रेमी द्वारा लिखित एकांकी मातृभूमि का मान हमारी राष्ट्रीय चेतना को जगाता है। एकांकी में ये संदेश दिया गया है कि राजपूतों के लिए अपनी मातृभूमि का मान सर्वोपरि होता है। प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। भाग सात, तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ। दो जातियों में जाननी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। उपर्युक्त कथन का वक्ता और श्रोता कौन कौन है? कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उपर्युक्त कथन का वक्ता महाराणा लाखा और श्रोता चारनी है। कथन का संदर्भ उस समय से है जब गाते गाते चारनी महल में, महाराणा की पत्नी चारनी महल में पहुंचती है। कौन क्या संदेश दे रहा है? प्रश्न खा, कौन क्या संदेश दे रहा है? चारनी संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी। चारनी के गाने का संदेश था कि मोतियों की माला को मत तोड़ो, मोतियों की माला को मत तोड़ो, एकता को तोड़ने पर दो जातियों में दुश्मनी पैदा होती है। प्रश्न का, कौन की श्रृंखला को तोड़ने जा रहा है और क्यों? महाराणा लाखा। उत्तर, महाराणा लाखा संपूर्ण राजस्थान की एकता की श्रृंखला को तोड़ने जा रहा था, क्योंकि वह राव हेमू द्वारा मेवाड़ की अधीनता ना स्वीकार करने से अत्यंत क्रोधित थे। अतः वह दोनों देशों में दुश्मनी पैदा करने जा रहे थे। वक्ता की बात सुनकर श्रोता ने क्या कहा? वक्ता महाराणा की बात सुनकर चारनी कहती है कि यद्यपि श्रोता सुनने वाला, यद्यपि समय के फेर से हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के राज्य से छोटे हैं, फिर भी वह वीर हैं और उन्होंने मेवाड़ की हर संभव सहायता की है। अगर उनसे कोई दृष्टता हुई है तो उस बात को भूलकर मधुर संबंध बना रहने दे। तो हम आगे के भाग 7 से लेके 14 तक अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।